सकते हैं यहाँ पर आपको बॉर्डरलेस ये डिस्प्ले मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप इस स्पीकर है IPS से सारे चीज इसमें आपको हम दिखाने, जो कि मेरे पास डेल का जो PC का, तो आपको वीडियो का जो नज़ारा रहता है ना, नज़ारा एक ही हिसाब से दिखेगा। फिल जो था उसको ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद देख सकते हैं हम यहाँ पर है ना, कई तरह का यहाँ पर, और साइज के बारे में बात करने वाले थे, तो यहाँ पर देख सकते हो साइज एकदम परफेक्ट बिना आपको यानी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल आर्किटेक्ट ऑफिशियल चैनल। तो गाइज आज हम एक नई वीडियो लेकर आगे, और इस वीडियो में बात करने वाले गाइज जो कि आज कुछ नया टॉपिक होने वाले गाइज। नया टॉपिक क्या होने वाला है, जो कि मेरे पास एक की डेल का मॉनिटर है, जो कि आपको हम उसको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले गाइज, जो कि हम फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए, और उसको 6 इंची का IPS मॉनिटर है, उसको हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं, और उसका जो खासियत, जो रियल जो खासियत होता है उसका, जो चलाने में क्या क्या आपको परफॉर्मेंस मिल सकता है, क्या वीडियो रेगुलेशन है, सारे चीज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले गाइज। तो हमारे चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देख सकते हो मेरे पास जो डेल का मॉनिटर है, यानी कि 27 इंच का मॉनिटर है, इसको हम आज अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं, जो कि इसका जो वीडियो रेगुलेशन है, IPS है, सारे चीज इसमें आपको हम दिखाने, जो कि मेरे पास डेल का जो PC, इसको हम फ्लिपकार्ट से अपने कह देवे स्टार्ट है। तो देख सकते हैं इस, आपको फोटो में ही देखकर आपको पता चल गया इसका लुक कितना अच्छा है ना, और आपको हम आगे दिखा रहे हैं इसका जो IPS, इसका वीडियो रेगुलेशन है, आपको हम इधर आकर आपको दिखा दे, जो कि अपने यूज के लिए हम फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं इसका जो जो सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर जो 27 इंच का S20 7 21 HN का जो कंपनी इसका मॉडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल है, परफेक्ट रूप से आप देख सकते हो। उसके बाद जो कंपनी इसको वेरीफाई किया है, वेरीफाई चेक और वेरीफाई करके जो आगे सेंड किया है, सारे चीज़ का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। जब तक ये लोगो नहीं रहेगा, आप ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, वो सारे चीज़ नहीं पहचान पाओगे। तो आप ये लोगो 100% सिक्योर करके आप देखिएगा तो कितना इसका कंपनी वेरीफाइड और चेक करके पठाया है कि नहीं पठाया, सारे चीज़ इसमें देख सकते हो गाइस। और इसका जो खासियत आपको इसमें दिखा रहे हैं, सबसे पहले जो इसका यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा डिलीवरी एड्रेस है, सारे चीज़ इसमें भेजोला करके आपको दिखा दे रहा है ना, जो डिलीवरी एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पर, एड्रेस ऑफ इम्पोर्टेंट है ना कंप्लेंट, जो एड्रेस है जो हम ऑनलाइन से मंगाए हुए, तो इस हिसाब से इसका डिलीवरी क्वांटिटी सारे चीज़ यहाँ पर, जो एड्रेस है सारे चीज़ लिखा हुआ है। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिसका खासियत आपको बताने वाला था रेगुलेशन के बारे में, जो यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, जो डेल का 27 इंच का मॉनिटर है, इसमें आपको IPS मिलेगा, सबसे पहले आपको IPS मिलेगा, उसके बाद 27 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा, जो डिस्प्ले जो 27 इंच का परफेक्ट आपको मिलेगा। वीडियो रेगुलेशन को हम बात करने वाले थे, जो फुल HD FHD यानी कि फुल HD है ना, आपको मिलेगा यहाँ पर 1920x1080p आपको वीडियो रेगुलेशन। तो एरो आपको दिख रहा है, एरो का ऑप्शन, जो कि आप किसी भी साइड से देखिएगा तो आपको वीडियो का जो नज़ारा रहता है ना, नज़ारा एक ही हिसाब से दिखेगा। आप कई भी मॉनिटर में आप दूसरे मॉनिटर में देखते हो कि इसका जो रेगुलेशन होता है, जो कि साइड से देखने में थोड़ा यानी कि अजीब तरीका से लगता है, वहाँ पर जैसे कि भूत की तरह दिखता है, लेकिन आपको इस डिस्प्ले में इस तरह का कोई ऐसा भूत की तरह नहीं दिखेगा, एकदम किसी भी एंगल से आप देखोगे तो आपको परफेक्ट रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा दिया गया है। उसके बाद देख सकते हो किसी भी एंगल में आप चलाइएगा तो एकदम बेस्ट चलेगा। तो इसका जो खासियत है आपको हम बता दिए, खासियत जो था, और एक चीज़ बता देते हैं गाइस कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रेट होता है, जो गेमिंग का रेट होता है इसका, फर्स्ट यानी कि 75 है, जो उतना अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन मीडियम में आप गेमिंग भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आप कर सकते हो इस मॉनिटर में, जो इसका है ना मीडियम यूज के लिए एकदम बेस्ट है गेमिंग के लिए। तो आप खरीदना चाहते हो तो इसको खरीद सकते हो, एकदम बेस्ट है। और इसको जो आपको आगे बताने वाले थे, इसको हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहे हैं ना, इसका अंदर क्या है, आपको किस हिसाब से आपको स्टैंड लगाना है, किस हिसाब से इसको यूज में लाना है, सारी चीज़ इसको अनबॉक्सिंग करके हम दिखा रहे हैं। तो गाइज कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं सबसे। तो गाइज इसको हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको इससे पहले आपको जिसका जो रेगुलेशन, फ्रिक्वेंसी, इसका जो खासियत था, सारी चीज़ आपको बता दिए, यहाँ से डायरेक्ट हम अनबॉक्सिंग करेंगे गाइज।
और इसको हम ओपन कर रहे हैं गाइस, आप देखिएगा किस हिसाब से इसका जो यूज में लाया जाता है, यूज करने का जो स्टैंड वगैरह वगैरह जो भी इसका डाटा केबल हो गया, कॉर्ड हो गया, सारे चीज़ इसका अंदर आपको सारे चीज़ मिलेगा। तो इसको हम अभी तो गाइस इसका मैं सील जो था उसको ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद देख सकते हैं हम यहाँ पर है ना कई तरह का यहाँ पर पार्ट दिया गया है, जैसे कि देख सकते हो इसका लगाने का जो सिस्टम है किस हिसाब से आपको इस किस हिसाब से आप इसको यूज में ला सकते हो, सारा चीज़ इसमें आपको इस बुक में मिलेगा। तो इसको हम साइड कर देते हैं, इसको है ना ओपन करने के बाद क्या सिस्टम रहेगा आपको हम सारी चीज़ इसमें हम दिखा देंगे गाइस। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जो HDMI केबल आपको मिलेगा, इसमें यही खासियत है आप HDMI केबल के साथ है ना अपने PC के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इसका यही खासियत है सबसे बड़ा चीज़। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा जो एडेप्टर मिलेगा, ठीक है, इसका एडेप्टर यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट पावर सप्लाई करने वाला एडेप्टर है, जैसे कि आप देखते हो कि एडेप्टर में कई तरह का एडेप्टर आप इसमें देख सकते हो गाइज कि इसमें एडेप्टर लगाने का कोई झाव नहीं है ना, इसमें आपको डायरेक्ट पावर सॉकेट यानी कि पावर केबल आप इसमें लगा सकते हो गाइज, देख सकते हो इसका यही खासियत है। और उसके बाद देख सकते हो गाइज यहाँ पर आपको मिलेगा इसका रिमोट कंट्रोल, नहीं रिमोट कंट्रोल नहीं, इसका सपोर्ट स्टैंड बीच का है जो इसको हम इसको साइड कर देते हैं। और उसके बाद नीचे देख सकते हो नीचे वाला स्टैंड सपोर्ट स्टैंड होता है ये है, इसको भी हम साइड कर देते हैं। और एक इसका आपको है ना सेफ्टी बुक मिल जाएगा, लेकिन इसमें चाइनीज अक्षर होने के बावजूद समझ नहीं पाते तो तब पर भी है ना इसको हम साइड कर देते हैं। और जो आगे आपको हम डिस्प्ले दिखाने वाले हैं हम सारी चीज़ आपको इसको दिखा देते हैं। और एक देख सकते हो इसका जो केबल कवर है इसको भी हम अभी साइड कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हो गाइज इसमें कितना सेफ्टी रूप से यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि यानी कि जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ से सामान पठाया जाता है वहाँ से कोई डिफिकल्ट इसमें ना हो, यानी कि कोई फूटने का चांसेस नहीं हो, उसके वजह से पूर्ण रूप से यहाँ पर सेफ्टी दिया गया रहता है। तो इसको हम हटा देते हैं गाइज, और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें जो डिस्प्ले मेरे पास है आपको तो गाइज ये ज़्यादा ही पतला होने की वजह से इसको थोड़ा सेफ्टी रूप से उठाना पड़ता है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ से उठाकर आपको हम दिखा दे रहे हैं कुछ इस तरह से हैं। इसको हम आपको रोटेट करके दिखा रहे हैं गाइज, जैसे कि इसको हम थोड़ा इसको हम नचा देते हैं, और इसका जो लुक आपको हम दिखाने वाले इस तरह से इसका लुक है, देख सकते हो गाइज कितना बेहतरीन कितना अच्छा लुक है। इसमें आपको साइड से कोर नहीं मिलेगा गाइज, देख सकते हो जो कोर होता है कोर नहीं मिलेगा, कोर इंग्लिश में ग्राहटा में हटे ठीक है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर आपको बॉर्डरलेस ये डिस्प्ले मिलेगा, ठीक है, और इसमें आप इस स्पीकर है देख सकते हैं ना आपको एयर कंडीशनर यानी कि हीट होने से आपको एयर के एयर हीट होने से इसको बचाएगा, इसलिए एयर कंडीशनर यहाँ पर रखा हुआ है। और देख सकते हो आगे का जो आपको कलर को बात किया जाए तो यहाँ पर ब्लैक है, और जो बैक कलर आपको मिलेगा व्हाइट कलर मिलेगा गाइज, ज़्यादातर व्हाइट कलर में आता है। आपको हम थोड़ा इसको हम रोटेट करके आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर जो जो कलर को बात हम किए थे व्हाइट कलर का है। और इसमें आपको इस एक बोर्ड था इसमें आप जब तक आपको व्हाइट कलर में आपको मिलेगा, ठीक है, ये वाल में सेट करने का सिस्टम है, आप वाल में सिस्टम सेट करना चाहते तो वाल में भी कर सकते हो, नहीं तो आप स्टैंड लगा के यूज कर सकते हो गाइज। और जो कि इसमें नीचे का जो ऑप्शन होता है जो HDMI यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पावर का देख सकते हो सारे चीज़ है, तो आपको हम यहाँ से स्टैंड लगाकर वाल में तो नहीं सेट करेंगे लेकिन स्टैंड में लगाकर आपको सेट करके हम दिखा रहे गाइज। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर सिंपली से आपको इसको सेट करने में थोड़ा उतना यानी कि आपको झियाव नहीं है, सिंपली से आप सेट करते हो थोड़ा पुश करके आपको सेट करना है, और बीच का स्टैंड सेट करने के बाद सिंपली से आपको इसमें नीचे वाले स्टैंड पे आपको रख देना है, देख सकते हो और रख दिए है ना, और आसानी के साथ यहाँ पर देख सकते हो गाइज पूरा परफेक्ट रूप से यहाँ पर सेट हो गया है। इसमें यही खासियत है कि है ना एकदम सिंपल रूप से सारे वर्क आप कर सकते हो गाइज, कर दा तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर मैं सक्सेसफुली यहाँ पर स्टैंड को कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पावर सॉकेट लगाकर यानी कि पावर सप्लाई करने के बाद यहाँ से आपको
कंप्यूटर में HDMI केबल से कनेक्टर के आपको दिखा दे रहे हैं ना, ताकि इसका यूज किस हिसाब से इसका जो रेगुलेशन है वीडियो का जो तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको हम दिखा दे रहे हैं कि जो मेरा जो पीसी था है ना, पीसी से यहाँ पर मॉनिटर को कनेक्ट करके आपको हम दिखा दिए हैं। और जो इसमें आपको ग्राफिक और साइज के बारे में बात करने वाले थे, तो यहाँ पर देख सकते हो साइज एकदम परफेक्ट, बिना आपको यानी कि बॉर्डरलेस होते भी यहाँ पर आपको साइज जो परफेक्ट साइज आपको मिल रहा है, देख सकते हो जो स्क्रीन का जो साइज एकदम कम्प्लीटली साइज आपको मिल रहा है गाइस। इसमें आपको यानी कि जैसे कि हो गया गेमिंग, एकदम नॉर्मल मोड पे आप गेमिंग कर सकते हो। और इसका जो ग्राफिक को बात करें तो रेगुलेशन के बारे में इससे पहले आपको बता ही दिए थे है ना, जो रेगुलेशन आपको 1980x1080p आपको रेगुलेशन दे रहा है, तो यूज करने में काफी आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस मॉनिटर से है ना। जो 27 इंची का IPS जो आपको पास, जो 27 इंची का IPS जो डिस्प्ले है देख सकते हो है ना। तो गाइज इसी प्रकार से हमारा वीडियो था, हमारा वीडियो तो गाइज इसी प्रकार से हमारा वीडियो था। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।